टेस्ट लिया था शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर। तो शब्दार्थ आप लोग का वर्ड मीनिंग था चैप्टर 2 और 3 का, और क्वेश्चन आंसर था 1 और 2 का। तो उसका हम बताएंगे आंसर, हम आपको दिखा देंगे। तो वर्ड मीनिंग का जो आंसर है हम बोलते जाते हैं, आप लोग अपना मिला के टिक कर लीजिएगा। नंबर 1, रचयिता, रचना करने वाला, आप लोग मिलाते जाइएगा, रचना करने वाला। जांच पड़ताल, छानबीन, विशारद, उत्तम या श्रेष्ठ। प्राकृतिक, कुदरत, निवारण, दूर करना। संहारकर्ता, नाश करने वाला। संरक्षण, रक्षा करना। पालक, पालन करने वाला। क्षुब्ध, परेशान। उदर, पेट। मुद्दा, विषय। सन्नाटा, चुप्पी या शांति। अनाथ, बुरा। कच्छ, कमरा। अपराध, कसूर। तो हमने जो वर्ड मीनिंग आपका चैप्टर 2 और 3 मिला के लिए थे उसके आंसर बताए हैं, आप अभी मिला रहे हैं। उसमें जो गलत है उसको सुधारना मत, उसको आप क्या करोगे, राउंड करके उसको दो बार, मान लीजिए आप गलत लिखे, ये गलत है, जिसको ऐसे राउंड कर दो और इसको दूसरे पेज में 2 टाइम्स लिख के याद करिएगा, ठीक है। रहा आपका क्वेश्चन आंसर, तो क्वेश्चन 1 और 2 का चैप्टर का जो हम लिए थे उसका आंसर हम दिखा देते हैं। यानी अभी तक आप लोगों का हम कितना टेस्ट लिए हैं, चैप्टर 1 का हम वर्तनी लिए थे पहला दिन, फिर लिए थे शब्दार्थ दूसरा टेस्ट, फिर आज तीसरा दिन, ये चौथा दिन, टोटल 4 टेस्ट लिए हैं। दोनों का आंसर पहले दिखाए हैं, अभी वर्ड मीनिंग का दिखाएंगे, बता दिए, अब क्वेश्चन का दिखा देते हैं। उसके बाद फिर हम आपको चैप्टर 2 और 3 का फिल इन द ब्लैंक्स का हम टेस्ट लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मंडे को, नहीं ट्यूसडे को आपका चैप्टर 2 और 3 का फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। आप लोग का चैप्टर 2 और 3 का क्या है, फिल द ब्लैंक्स का हम टेस्ट लेंगे। तो आप लोग रेडी रहिएगा और कोशिश कर कीजिएगा चेकिंग करने का, जैसे रखे टेस्ट का वो पेज या हिंदी का कॉपी नोट करके रखिएगा। आइए हम आपको आंसर दिखा देते हैं। क्वेश्चन तुम्हारा था नीम के बारे में क्या घोषित किया गया, आंसर है नीम के बारे में घोषित किया गया कि सर्व रोग हरो निम्बा, यानी नीम सभी रोगों को विकार को हरने वाला या खत्म करने वाला वृक्ष है। खा नंबर आपका क्वेश्चन था बच्चे धुन के कैसे हैं, तो बच्चे अपनी धुन के सच्चे हैं। ग नंबर था ये वृक्ष दानी कैसे है, या वृक्ष दानी कैसे है, तो वृक्ष के बारे में जो है वो आप लोग मिला लो एक बार। क्वेश्चन तुम्हारे पास है, हम तो सिर्फ आंसर यहाँ दिए हैं। घर में फिर आपका है उम्र में छोटे होने पर भी बच्चे धुन के कैसे हैं, तो वो आंसर है उम्र में छोटे होने पर बच्चे धुन के सच्चे और बहादुर हैं। एक बार ऊपर से आप देखो, आगे चलें। आपका था मानव सभ्यता के विकास में वृक्ष का क्या योगदान है, तो उसका आंसर है महत्वपूर्ण योगदान है, वृक्ष प्रकृति की शोभा है, धरती की शोभा है, घर और आंगन की शोभा है। ये आपका अंगा था। च में फिर था बच्चे अपने पथ यानी सत्य का अपनाया हुआ रास्ता कभी नहीं छोड़ेंगे, क्वेश्चन मेरे ख्याल से होगा बच्चे अपने पथ या रास्ता क्यों नहीं छोड़ेंगे, क्वेश्चन है उसको आप लोग देखो यहाँ पे ये है बच्चे क्या नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग का था जो आप लोग मिलाए हैं, आंसर हम इधर कर चुके हैं, ओके। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप लोग का फिल इन द ब्लैंक्स टेस्ट लेंगे। और याद रखिए स्कूल में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आप लोग करवाइए, करवा के अपना कॉपी जमा कीजिए। थैंक यू, बाय।